तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, -36 डिग्री 30 सेकेंड्स, इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन मीटर। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ हम लेंगे 36 डिग्री 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 30 सेकेंड्स, प्लस हम लगा सकते हैं बीच में, इज इक्वल टू 36 डिग्री। अच्छा, ये सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करके, तो डिग्री में आ जाएगा 36 डिग्री। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 36/1 कर लो, 1/1 + 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो 2 LCM आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 + 1 इज इक्वल टू 73/2। अब हमें पता है, इसके बाद ऊपर, अब हमें पता है कि अगर हमें रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते थे, π/180 से, तो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 73/2 मल्टीप्लाई π/180 इज इक्वल टू 73π/360। ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, हमें 11/13 को कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 11/3 को 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, 11/13 मल्टीप्लाई 180/π को लिख सकते हैं 22/7, उसके बाद ये हो जाएगा 11/13 × 180/22, 7 ऊपर आ जाएगा, 11 × 22 = 90, ये हो जाएगा 630/30, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 × 54 = 52, 11 × 13 = 104, 6 बचेगा, तो ये डिग्री में आ जाएगा, और 6 जो रिमाइंडर बचा वो ऐसे आ जाएगा। जिसको हम आगे करेंगे तो क्या आएगा, 48 डिग्री। अच्छा, ये भी डिग्री में ही आ गया, इसको हमें सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें डिग्री को रेडियन में करना होता है तो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, अगर हमें रेडियन को अगर हमें डिग्री को मिनट में करना होता है तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्ट मिनट में, 48 डिग्री 630 30, ये आया हमारा मिनट में। अब अगेन इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, 48 डिग्री 13 × 26, 13 × 13 = 91, बचा 9/13, ये हमारा मिनट में होगा, ये हमारा बचा सेकेंड्स में, ये हो जाएगा 48 डिग्री। इसको भी अब हमें सेकंड को, ये भी मिनट में है अभी फिलहाल, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 48 डिग्री 27 मिनट्स और 540/30, ये हमारा सेकंड्स में हो गया। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, इसके आगे हमें सॉल्व करना नहीं होता मिनट्स के आगे, तो इसको जितना आएगा उतना लिख देंगे, 13 × 52 13 × 13 13 × 13 = 7, तो 13/65 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, सॉल्व करो कॉस ऑफ -8/70। देखो, कॉस ऑफ -x होता है कॉस x, ठीक है ना, तो कॉस ऑफ -870 हो जाएगा कॉस ऑफ 870। अब कॉस ऑफ 870 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 360 × 2 = 720 + 150, ओके, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 150, क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है, 2π × 2, और 2π + थीटा होता है हमारा कॉस थीटा के, ठीक है।
अगेन इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस. अब कॉस 180 के केस में कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस है तो मतलब अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो ये 180 डिग्री है, माइनस मतलब इधर इधर कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 30 होता है रूट 3 होता है, ये हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर से हमें सॉल्व करना है साइन 225 डिग्री प्लस सॉरी माइनस कॉस 120 डिग्री अपॉन साइन 225 डिग्री प्लस कॉस 120. देखो साइन 225 को मैं लिख दूंगा 180 प्लस 45 माइनस कॉस 120 को लिख दूंगा मैं 90 प्लस 30 ठीक है अपॉन इसको भी मैं लिख दूंगा साइन 180 प्लस 45 प्लस कॉस 90 प्लस 30 डिग्री ठीक है. अब मैं क्या करूँगा साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई के केस में साइन का साइन ही रहेगा, पाई प्लस थीटा मतलब कहाँ जाएगा पाई प्लस ही है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 90 के केस में साइन चेंज हो जाता है सिर्फ 45 आएगा, यहाँ पे 90 के केस में कॉस का साइन हो जाएगा तो यहाँ पे साइन आ जाएगा. अच्छा माइनस आएगा प्लस आएगा 90 प्लस मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता तो ये सो पॉजिटिव हाँ, लेकिन कॉस नेगेटिव होता, कॉस नेगेटिव होता तो यहाँ पे आ जाएगा ना पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव 30 डिग्री अपॉन साइन अगेन साइन 45 के तो ऊपर से लिख ही लेंगे नेगेटिव प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा साइन 30 ठीक है ना. आप इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 ठीक है. चलो इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 अपॉन माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 सही कर गया. इस वाले में जो माइनस कॉमन लेके हम ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 रैशनलाइज कर लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 2 माइनस इज इक्वल टू ऊपर करेंगे तो 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यही हमारा आर एच एस है. इन सब लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हेंस ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कैसे करेंगे हमें सॉल्व करना है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 3π/4 सॉरी तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 3π/4 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/4 इज इक्वल टू इसमें से 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/4 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 - π/4 ये जाएगा 2 प्लस कॉस कॉस का कॉस ही रहेगा 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन होल स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू 5 अपॉन ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है साइन 5 ए इज इक्वल टू 5 साइन माइनस 20 साइन क्यू ए प्लस 16 साइन 5 कैसे करेंगे एल एच एस लेंगे एल एच एस क्या है हमारा साइन 5 इज इक्वल टू साइन इसको लिख लेंगे हम 3 ए प्लस इज इक्वल टू साइन 3 cos 2 प्लस cos 3 sin इज इक्वल टू
साइन थ्री को हम लिख सकते हैं 3 sin a - 4 sin cube, cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin square, हमें सारी चीज़ साइन में कन्वर्ट करनी है। प्लस cos 3 को हम लिख सकते हैं 4 cos cube - 3 cos a, और साइन 2 को हम लिख सकते हैं 2 sin cos a। अब इसको हम अलग 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 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin - 6 sin cube - 4 sin cube - 8 sin 5, प्लस इसमें से मैं कॉस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा कॉस ए टू आगे ले लेता हूँ, 2 cos a कॉमन आ गया, बचा 4 cos² a - 3, और इधर आ गया साइन ए कॉस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनको लिख दूंगा 3 sin a। माइनस 10 sin cube + 8 sin 2a + 2 cos² a, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 4 cos² a - 4 + 1, अब यहाँ आ जाएगा sin। इसी को 3 sin a - 10 sin cube + 8 sin cube + 2, इसको मैं लिख लूँगा 1 - sin², और इसको मैं लिख लूँगा, देखो ये 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और -sin² प्लस, ये हो जाएगा 3 sin a - 10 sin cube + 8 sin cube, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मैं इसको इससे कर लेता हूँ तो हो जाएगा 2 sin a - sin cube - 1 - 4 sin² इज इक्वल टू 3 sin a - 10 sin cube + 8 sin 5 ठीक है, प्लस 2 sin a - 8 sin cube - 2 sin cube + 4 sin 5, 4 नहीं 8 आएगा यहाँ पर क्योंकि इस 2 से ये 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये बच्चा देखो 3 sin a - 2 sin a हो गया, 5 sin माइनस 10 sin cube है, -10 sin cube हो गया -20 sin cube, 8 sin 5 है, 8 sin 5 हो गया ये 16, यही हमारा आर एच एस है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये इसकी जो इंटरवल दे रखे हैं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, पाई थीटा थीटा है, ये मुझे गलत लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हमें दे रखा है कॉस एक्स बराबर 1/√2 है, एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, 4th quadrant से, तो हमें क्या निकालना है, एक वैल्यू निकालनी है किसकी, देन 1 + tan a x + cos x - cot x - cos x, ये क्या है, देखो अगर cos x 1/√2 है, x बिलोंग कर रहा है 4th quadrant में, 4th मतलब ये वाला क्वाड्रेंट मतलब ये, तो 2π माइनस लगा देंगे तो इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू 2π - π/4, तो x हो जाएगा हमारा 7π/4, तो हम 7π/4 खुद कर देंगे इस वाली वैल्यू में, तो क्या आ जाएगा ये 1 + tan 7π/4 - 7π/4 + cos 7π/4
अपॉन 1 प्लस कॉट 7 पाई बाय 4 माइनस कोसेक 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 इसको मैं लिखूंगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कोसेक इसको मैं लिखूंगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4 और 1 प्लस कॉट 2 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कोसेक 2 पाई माइनस ये हो गया 1 प्लस देखो 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4 तो 10 पाई बाय 4 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं यहाँ पे माइनस आ जाएगा वो माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है तो हो जाएगा 1 10 माइनस 10 पाई बाय 4 ये भी नेगेटिव हो जाएगा टेन पाई बाय फोर ये अब देखो इस केस में ये भी नेगेटिव होगा तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस कोसेक पाई बाय ठीक है नीचे भी नीचे वन ये अगेन क्वार्टर टेन सेम रहेंगे तो माइनस टेन पाई बाय फोर और ये प्लस हो जाएगा कोसेक पाई बाय ठीक है तो वन माइनस ये तो वन होता तो वन माइनस ये कितना कोसेक पाई बाय फोर मतलब कोसेक 45 मतलब साइन 45 बढ़ रहा था अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 4 ये कट गया ये कट गया तो बचा माइनस 1 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 10 19 पाई बाय 4 की पाई बाय 3 की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे पाई की जगह 180 पुट कर देंगे अपॉन 3 19 इंटू 180 ठीक है तो 10 इसको काट दो इसको तो 60 आ गया तो 19 सिक्स जा होता है 1140 और इसके आसपास ऐसी वैल्यू देखेंगे जो 2 पाई से कटे जैसे कि 1080 ये होता है 360 जो कि होता है 2 पाई इंटू 3 ठीक है तो प्लस 60 10 2 पाई प्लस थीटा हमेशा 10 थीटा होता है तो 1060 ये हमारा आंसर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है हम क्या प्रूव करना है टू टू साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x सॉरी 5x नहीं साइन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस एक्स को क्या प्रूव करना है इज इक्वल टू टेन एक्स प्रूव करना LHS ले लेंगे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे इन दोनों पे साइन या प्लस साइन भी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 2 साइन 5x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन और इस पे लगेगा माइनस 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 5x माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस नहीं आएगा सॉरी साइन नहीं आएगा साइन 5x प्लस एक्स अपॉन तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x कॉस 2x माइनस 1 माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 साइन 2x साइन 3x साइन 3x है अभी अभी नहीं करते बाद में करते हैं पहले कॉमन आएगा उसके बाद देखो ऊपर से आ रहा है 2 साइन 3x कॉमन बचेगा कॉस 2x माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स यहाँ से कॉमन आएगा 2 साइन 3x तो माइनस 2 साइन माइनस 2 नहीं आएगा माइनस साइन 2x ठीक है इससे पूरा कट जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन नीचे में आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स साइन एक्स से ये कट गया इससे ये कट गया ये आ गया टेन एक्स यही हमारा क्या है फिजिकल टू आर एच एस हेंस